तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरा खास दिन तो नहीं है, मगर आज बस फेयरवेल है। आपको तो फेयरवेल का मतलब पता ही होगा, मगर जिनकी फेयरवेल होती है उनके लिए क्या मतलब होता है? बैठेंगे, नाच गाना देखेंगे, खाना पीना खाएंगे मुफ्त का, और घर आ जाएंगे। उसके बाद पार्टी वार्टी करनी होगी तो करने चले जाएंगे कहीं पे, मगर अभी तक तो कोई ऐसा प्लान है नहीं। अगर होगा तो मैं आगे भी दिखाता रहूँगा। मगर तो आगे जो हमारे वार्तालाप होंगे उसमें मैं आपको सब कुछ दिखाता रहूँगा, हमने कैसे 4 साल कॉलेज में निकाले हैं। और आपको मैं वादा करता हूँ, हमारी वार्तालाप में आपको बहुत ज़्यादा मजे आने वाले हैं। तो गाइस, अभी मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं मुझे पिक करने, तो उनके साथ बैठ के बाद, तो उसके बाद उनके साथ बैठने के बाद मैं आपको दिखाऊँगा आगे की वार्तालाप, फिर मजा आएगा। हाँ जी, ठीक है, स्टार्ट है, चलो स्टार्ट है। मेरे को ठीक है, तो जैसे ही मैंने कहा था गाड़ी में बैठ के करेंगे वार्तालाप। वार्तालाप कुछ ऐसे होने वाली है, पहले तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ अपने कुछ दोस्त। तो ये मेरा दोस्त है पम्मी परमिंदर। हेलो भाई। हेलो हेलो। तो ये मेरी दोस्त दीपांशी। हाय गाइस। और ये ड्राइवर हमने रखा है पर्सनल, ये है अभिषेक मारवा। हाय ब्रो। हाँ भाई, 2000 रुपए पर महीने के हिसाब से। हाँ जी। तो फोन मेरा हुआ है अपनी तीर्थ यात्रा पे। तो बात ऐसी है, हमें हो रहा है रिग्रेट, 4 साल की डिग्री करके हमने किया क्या है, कर तो हम वेटरिंग ही रहे हैं, तो कुछ खास ऐसा है नहीं है। थोड़ी सी होटल मैनेजमेंट करना, और हम अभी भी अपने माँ बाप के टुकड़ों पे पल रहे हैं। लोगों ने स्टार्टअप कर दिया शुरू, अपने कमा रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, आईफोन ले रहे हैं बंदे, और हम अभी भी क्या कर रहे हैं? आपने कैसा आईफोन लिया? मैं इसके पीछे स्टोरी है, अगर मेरे से पूछा जा ही रहा है तो मैं बताता हूँ। ये इवेंट कर करके मैंने ये फोन लिया। अभी भी शिफ्टें मारते हैं बड़ी बड़ी मेहनत करते हैं, मेहनत का रंग है ये। अभी बाकी की जो भी कार्यक्रम होगा मैं आपको दिखाऊंगा। 4 साल हम नाचे हैं, अब आखिरी साल में हम देखेंगे लोगों को नाचते हुए। बाकी कुछ नहीं है, बोलो नहा करने आया। अभिषेक नहा करने आया आज, पसीने से नहाएगा ना? नहीं नहाया बेसमेंट में। अरे गाइस, ये नहा के नहीं आया, दोबारा फोन तीर्थ यात्रा की। वो रिलेट करा रहा है कि हम लोग अभी नीचे बेसमेंट में पसीने से नहाने वाले हैं आज। कार्यक्रम बढ़िया को तो ही दिखाऊंगा, वरना फिर भी दिखा दूंगा, नहीं हुआ तो कमेंट तो चाहिए, कमेंट करके बताना कैसे चला। तो यार, कॉलेज वगैरह तो हम पहुंच गए हैं, अंदर जाके हम आपको दिखाएंगे कि क्या सारा सोदा पानी चल रहा है। लेट तो हम हो गए हैं, जैसे ही आपने देखा ट्रैफिक वगैरह बहुत ज्यादा है, बाकी गर्मी बहुत ज्यादा है। अंदर जाके दिखाते हैं, बाकी एसी में बैठेंगे, चिल विल करेंगे, फिर देखते हैं अंदर जाके क्या कार्यक्रम चल रहा है। तो यार, ये तो थी फेयरवेल की थीम बॉलीवुड, और इसके अंदर थोड़े बहुत गेम्स थे जिसमें हमें एक न्यूज़पेपर पे नाचना था। और आपका भाई सबसे पहले नंबर पर आया हारने में। मैंने बहुत कोशिश करी कि हार ना मानूं, मगर इस लड़की ने मेरी एक ना सुनी। क्या करता मैं, फिर हार गया, फिर बाहर आ गया। देख लो, यही है, ये देख। अरे सब सही तो है, हम खड़े तो हैं पेपर पे, क्या हो गया? क्या सर, गेट आउट हो जाओ प्लीज। नहीं, जूनियर बोल के सर, ये तू उससे पूछ ले, मैं नहीं आउट। उसके बाद हमने हिम्मत नहीं हारी, हम चुपचाप स्टेज से उतर गए, फिर ये लड़कियां हमारा दिल बहलाने आई। पीछे ऐसे करके कपड़े पहनेंगे, ऐसे करके ये करके मैंने बाल चुकाए और ये तौलिया डाल दिया। लड़कियां तो सेट है, टॉपी लो गरीबों। यो सोनी दे ये तो सुन जो जो क्यों तक तोड़ दो बात का, क्यों तू चंटो की मम्मी ने बासी सब्जी खिला दी और भाई मैं आऊं मेरी बारी, मेरी बारी यार, पार्टी उठा ना रे, उठा ले। अब करना क्या है, अब करना क्या, तू बता इधर आ, इधर आ, मैं तेरे को बता दूँ ये क्या करेगा, मत करियो दोबारा। और ये सब सहने के बाद फिर मुझे मेरे टैग से सम्मानित किया गया, जो कि था स्मार्टिंग हॉट डैशिंग सरसरदार। तो ये लेने के बाद फिर हमें ये वीडियो दिखाई गई, फर्स्ट ईयर से लेकर 4 साल तक हमने जो भी किया, सारी फोटोज़ मेमोरी वगैरह हमने देखी। इसके बाद सब अपने घर के लिए हो गए सायोनारा, और इसके बाद हम दिखाएंगे अब आगे की स्टोरी।
तो जैसे कि मैंने आप सबको बता दिया है, सोदा पानी जो भी था, डांस वांस हमने सारी वार्तालाप करी है ऊपर, और आपका भाई मिस्टर फ्रेशर बना है। तो ये मेरे कुछ दोस्त हैं, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू एंड फॉलो फन विद इंदर, भाई बहुत अच्छी वीडियो बनाता है, मेरे को कभी नहीं लेता वीडियो में, और मैं हर बार आती हूँ, आई एम प्रीटी ग्लैड फॉर दैट, बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है। जिम से स्टार्ट किया था, बाय कॉमेडी वीडियोस में घुस गया। इसके बाद गाइस वी हैव आवर प्लान्स फिक्स्ड, इसके बाद या तो वी आर गोइंग समवेयर टू ईट और मे बी टू डांस, अभी कुछ पक्का नहीं है, बाकी तो ये एक रग है जो कि इसने एज उसने लिया है, अपना शॉल की तरह लिया है, मगर कोई दिक्कत नहीं है, अगली को फैशन है फैशन है, रग को शॉल की तरह कैसे ले मुझसे सीखे, भालू की चमड़ी थी पहली बार, भालू की चमड़ी है, मुझे लगा रग था। These fuckers are actually using my stylish stall as their napkin, जिससे पसीना पोंछ रहे हैं। तो अब ये सब तो चलता ही रहेगा, मगर मैं क्या कहने वाला था भूल गया। बात ऐसी है, घर जैसी है, तो कुछ नहीं, फिर अभी हम खा पी के ड्राइंग दोबारा कर लिए, आगे मेरे खाई है, घर में दोनों खाई है, ठीक है। तो अभी हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद, थोड़ा पसीना सुखा ले, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। तुम्हें कुछ कहना है? नहीं नहीं, सब सही है। वैसे जिस हिसाब से उन्होंने तारीफ कर दी, मैंने कोई पैसे नहीं दिया, आप मेरे को पेटीएम पे आपको ट्रांजैक्शन दिखा दूंगा, क्यूआर कोड था मेरे पास, क्यूआर कोड नीचे स्कैन करा इसने, कुछ नहीं, रुपया नहीं लिया हमसे ना, हमें एक रुपया दिया है, हजार रुपए दिए। आई हेट यू वेरी, इतनी गर्मी में मेरे में हिम्मत नहीं है नाचने के, अंदर डीजे है, खाना पीना है, खाना पीना खा के मैं तो निकल जाऊंगा कहीं घूमने। फेयरवेल का सीन हो गया था, डन, बहुत गर्मी है, खाना पीना थोड़ा बहुत था खा लिया, हमें फिर भी भूख लगी है, तो यहाँ ग्रीन चिप चॉप आए थे, पेट भर गया, अब हम जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ, शायद मजनू का टीला जा रहे हैं, तो वहाँ देखें क्या कहाँ जाएंगे, कौन से रेस्टोरेंट में जाएंगे, नया रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करेंगे तो आपको भी दिखाऊंगा। चलो, तो हम आगे कहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे वो आपको देखने को मिल जाएगा, मगर अगले पार्ट में, क्योंकि ये पार्ट जो है थोड़ा लंबा हो रहा है, और इतना लंबा आप लोग बैठ के देखने वाले हो नहीं हो तो मेरा नुकसान हो जाएगा, मैंने मेहनत करी होगी, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ अगले पार्ट में देखो, थोड़ा सा देखो, जैसे भी देखो, मगर देखो जरूर, ठीक है, आगे जाके मिलते हैं, बाय।